अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 10th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में हिज एक्सीलेंस एलेजेंडरो सिमानकस मरीन एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा भी शामिल हुए एवं फिल्म जगत से जुड़े कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए, जैसे दिनेश उपाध्याय, आरएसएस लीडर सुधीर टंडन, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकसभा टीवी, टीपी अग्रवाल प्रेसिडेंट फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, सुशील भारती डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग एंड फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। वहां आए सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने इस मौके पर यहां उपस्थित सभी लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में सभी स्टूडेंट से बात की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे बनती है, किन किन विषय पर खास ध्यान देना चाहिए, इन बातों पर चर्चा की। 10th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल पर अपनी खुशी जाहिर की और आगे इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने और काम करने पर स्टूडेंट्स को जागरूक किया। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों ने भी संदीप मारवा के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा की और आए हुए सभी अतिथियों और संदीप मारवा ने साथ में इंडो क्यूबा फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर लॉन्च किया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को कई कैटेगरी जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कहानी, इनसे सर्टिफिकेट और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए गणमान्य अतिथियों को लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर संदीप मारवा द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती ने मौजूद सभी अतिथियों, चेयरमैन संदीप मारवा और सभी प्रतिभागी स्टूडेंट्स को धन्यवाद दिया। डॉक्यूमेंट्री बनाना न केवल कोई काम है बल्कि समाज का एक दर्पण है, जिसमें आप समाज के अछूत पहलुओं को अपनी कला से जन जन तक शब्दों के माध्यम से परोसते हैं। आए हुए लोगों ने मीडिया से बातचीत में और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट टुडेज इंटरनेशनल फिल्म डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल? I would like to see more Indian culture, Indian tradition, Indian national identity. I think this is for any country, and particularly, of course, for India, like for Cuba, to keep and to reinforce our national cultural identity is fundamental, because the world needs the reflection of the cultural diversity of the world, and of course in that case India as well as Cuba and Latin America can make a big contribution. So we are very happy to be here and to, from our humble capacity, contribute to the development of our cultural relationship and to the development of the International Documentary Festival. Your Excellency, how are you looking forward to actually utilize this Indo-Cuban cultural film and cultural forum to actually strengthen the relations, bilateral relations that we have in India and Cuba through films, art, culture and entertainment? How are you looking forward for that? Today we launch an Indo-Cuban film forum, which is the beginning of a future cooperation. In all the possible way, we will stimulate, we will create facility for our cultural relationship. As I told you, we need more Indian culture, more Indian movies in Cuba. फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म हमारा बहुत पुराना है, जिसका 10वां एडिशन हम लोगों ने 12, 13, 14 फरवरी को ख़त्म किया था, और जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल रहा है वो उसका हिस्सा होता था। इस बार हम लोगों ने ये तय किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को ज़्यादा महत्व देने के लिए हमें इसको एक अलग हिस्सा बनाना पड़ेगा, और यही वजह थी कि हम लोगों ने 12, 13, 14 फरवरी को ये अनाउंस कर दिया था कि हम जो 10वां इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल होगा उसे धूम
धूमधाम से और अलग तरीके से करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को ज़्यादा प्रभाव हम दे सकें। आज बड़ी खुशी है कि हम लोग जो फेस्टिवल के दौरान हमें जो 59 फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँची और तकरीबन 50 फिल्में शॉर्ट फिल्में जो स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्में पहुँची उनको लेकर आज आयोजन किया गया है और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर 100 डॉक्यूमेंट्रीज को MSTV के ऊपर दर्शाया जाएगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। इसी तरीके से जितने भी फिल्म मेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं उनको रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू उनका तैयार किया जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को ज़्यादा हम लोग आम जनता तक पहुँचा सकें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही होता है कि ऐसे सब्जेक्ट चुने जाएँ जो अब तक छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं या कहीं लुप्त हो गए हैं और ऐसे खूबसूरत हमें इस बार टॉपिक्स मिले हैं। एक एक फिल्म जो है अपने आप में मोती की तरह चमक रही है, लेकिन आप सभी फिल्मों को तो अवार्ड नहीं दे सकते। अच्छी फिल्मों में भी बहुत अच्छी फिल्में हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है और देश भर से अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने अपने इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को बड़ी इज्जत के साथ ग्रहण किया है। मारवा सर, इंडो क्यूबा रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे आज वहाँ से? हमें ये भी खुशी है कि क्यूबा के राजदूत आज हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि रहे और हम लोगों ने इंडो क्यूबा फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया है। ये एक नई संस्था आज तैयार हो गई है और हमारी लिस्ट के अंदर ये 67वां देश है जिसके साथ हमने आज तय कर लिया है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। अम्बेसडर साहब ने हमें न्योता दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग भारतीय फिल्मों को लेकर क्यूबा में जाकर एक भारतीय फिल्मों का फेस्टिवल का आयोजन करेंगे, ये बात आज तय हो गई है। देखिए इसके अंदर जितने बच्चों ने आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दी फिल्म्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक बेस बहुत अच्छा है क्योंकि नंबर वन शूटिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव और वो लोग अपने आप को अपने विचारों को उसके अंदर बता सकते हैं, वो दिखा सकते हैं एंड दे कैन पोर्ट्रेट व्हाटएवर दे वांट टू शो। दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। हाँ, डेफिनेटली एज वन ऑफ द पीपल सम पीपल दे क्वेश्चन कि इनको जब तक शो का ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो वहीं के में रखी रह जाएंगे। बट आई फील एज वन ऑफ द लेडीज शी सेड आई मेड मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्रीज। अगर उन्होंने 100 डॉक्यूमेंट्री बनाई, आई थिंक शी शुड गो ऑन हर ओन यूट्यूब चैनल, शी शुड मेक अ यूट्यूब चैनल एंड शी विल गेट मैक्सिमम ऑफ द पीपल देयर, शी विल गेट लॉट ऑफ व्यूअर्स देयर। ऐसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा होकर अगर आप बना रहे हैं तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसे दिखाएं लोगों को। एंड सेकेंडली देयर इज़ वन एसोसिएशन कॉल्ड शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री, उसके मिस्टर देवेंद्र खंडेलवाल इज द प्रेसिडेंट एंड टॉकिंग विद देम आल्सो। भाई ये जो है बहुत अच्छा प्रयास है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, वो जो है एक बहुत बड़ा एक विधा है ये जिसको कि जो है हमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि और चीज़ों के अलावा डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है जो ह्यूमैनिटी की बात है, ह्यूमनिज्म की बात है, सोशल चेंज की बात है, डाउनट्रॉडन लोगों की बात है, जो ऐसे ऐसे लोगों जिन्होंने बहुत काम किया है उनके बारे में पता करने की बात है, उनकी डिस्कवरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को मिला के डॉक्यूमेंट्री जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इतना सुंदर आयोजन किया? भाई ये तो बहुत ही डायनामिक आदमी है, इतनी चीज़ें करते हैं और इतना फास्ट ये सब करते हैं, तो इनकी तो जो है जितनी तारीफ करी जाए वो कमी है। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश उपाध्याय है और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का जो हेल्थ से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है उसका गवर्निंग बोर्ड का सदस्य रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल का राष्ट्रीय स्तर पर सेहत संयोजक रहा हूँ और 50 वर्षों से संगठन का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर ये जो मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए इसका? दरअसल आज
मैं पहली बार सिनेमा या चलचित्र से रिलेटेड विषय के अंदर ये आया हूँ। मैंने संदीप मारवा जी ने मुझे बताया था कि आप अगर भारत में हैं या दिल्ली में तो आपको आना है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का फेस्टिवल यहाँ हुआ है। मैंने यही बोला है आज यहाँ पे मंच के ऊपर कि जो भी चलचित्र बनाए जाते हैं वो चाहे 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, एक घंटे का है, दो घंटे का है, वो कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्र के जो अपना चित्रण है, चाहे वो संस्कृति के लिए है, कल्चर के लिए ऊपर लेकर गए, कुछ महापुरुषों की जीवनियां हैं उनको सही तरह से चरितार्थ करके और दिखाया जाना चाहिए। अभी अभी जो है सो पिछले महीने तेलुगु फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स विच इज़ द अल्टीमेट बॉडी in Telangana and as well as Andhra Pradesh got elected last month, and we did a lot of things, and recently for 1 month we shut down all our productions and we sat down with all the divisions of kya bolte har ek aadmi se dancers se models se sabse baat karte jaye kya kya producer ka nuksan ho raha bolke dekh ke usko kam karne ke liye koshish karke kal pichle din se शूटिंग शुरुआत हो गई हैं। अभी भी क्यूब एंड यूएफओ बोल के दो हंसते हैं जो वह डिजिटल डिलीवरी के लिए बहुत सारा चार्ज कर रहे हैं बोल के हम सब लोगों को दिक्कत है, और छोटे छोटे प्रोड्यूसरों को बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है थिएटर में रिलीज़ करने के लिए, तो उनके साथ से भी मीटिंग है, तो 6 तारीख को पहला और लास्ट मीटिंग उनके साथ होगा।